वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यही तो है यार। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं, पता है कहाँ पर, समझ गए होगे मेरे पुराने ब्लॉग को देख करके। तो अभी जो हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं शाम के 8 बजे समथिंग, क्योंकि अभी सारा स्टोरेज खाली कर कुरा करके अब भी जाके टाइम मिला है। तो इंट्रोडक्शन तो इसी का देंगे एंड इससे मतलब बात करते हो 3-4 साल से ज्यादा हो चुका है, जब मेरे पता भी नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है एंड अभी ये मेरा सब्सक्राइबर भी है एंड इनकी पूरी फैमिली सब्सक्राइबर है। 2000 years later अब छोड़ने के लिए हम बहुत लेट हो चुके हैं फिलहाल। एक तो ये भाई से सुबह पहले पानी का वो स्वागत हो जाता है, है? तेरा मतलब बारिश के कारण यहाँ पर देखो कितना पानी भर जाता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा यार। कम हो गया यार, रात में जब पढ़ आए थे तो एंड यहाँ पर भी वही वाला सीन मेरे साथ हो रहा है, ये रहा कोचिंग पीछे एंड यहाँ पर भी वही वाला सीन हो रहा है जो वहां पर हुआ था, मेरठ जाने का मन बिल्कुल नहीं लेट कितना उठा हूँ मैं, मतलब कितना जल्दी उठा था मैं, 6:28 पे उठा था मैं, ट्रेन है 6:46 पर। इतने तेजस्वी लोग हैं यार हम, तो भाई अभी हो चुका है टाइम 6:40, 6 मिनट और 6 मिनट के अंदर हमें ट्रेन का पता करना है कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी और कहां से जाएगी, मतलब कुछ आइडिया नहीं है। तो अब हो चुका है गेम में और ज्यादा मजा और आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए एंड इस भीड़ भाड़ के बाद तो चांस ही नहीं बनता यार। स्टेशन कितना दूर है? स्टेशन से पहुंच चुके हैं, कहीं उसी ट्रेन का तो नहीं? अरे ये रहने ट्रेन हो, ठीक है चलते बाय 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 बाय। आई डोंट नो कि कौन सी ट्रेन है बट फटाफट पता करना पड़ेगा क्योंकि थोड़े टाइम में वो चलने वाला है ट्रेन। अब ये देखो अब गेम में और भी ज्यादा मजा आ रहा है और आप जीत सकते हैं 20,000 रुपए चूंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमको जाना है, गाड़ी निकलने वाली है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 कौन सा? प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये वाला, वो गाड़ी कौन सी है? यही वाला है। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यही तो है यार। ये देखो गाइस कितना ज्यादा स्ट्रगल। हेलो, हाँ फटाफट जाकर किसी जनरल कोच में बैठना पड़ेगा बिकॉज टिकट जो हमने कटाया नहीं है, और वो कोच आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। फटाफट चलते हैं, फाइनल ट्रेन में चढ़ गए एंड अभी जो टीटी वगैरह जो भी आएगा, चालान वगैरह जो भी जैसा बनता है वो करवा लेंगे फटाफट। पहले चार्ज लगा लेते चलते, रिजर्वेशन तो नहीं है लेकिन पेनल्टी मुझे पूरा देना पड़ेगा, फटाफट में चार्ज कर। व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड फोन में चार्जिंग नहीं था और मुझे प्रॉब्लम और लग रही है वो ये कि स्टोरेज को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रियलिटी है तो थोड़ा बहुत इसमें भी करना पड़ेगा अपग्रेड वगैरह, तब जाकर के ही मजा आएगा। बट आपको मैं कंटिन्यू ब्लॉग के अंदर एक चीज तो नोटिस मिल रहा होगा कि मैं ढंग से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी यार, कुछ रजिस्टर हो रहा है इस चक्कर में और कंटिन्यू उसको मैं सही कर लूंगा। तो अभी जो हमारी ट्रेन है वो मानसी जंक्शन रुकी हुई है, तो फटाफट में जाकर के टिकट कटवा लेता हूँ बिकॉज टिकट नहीं तो प्रॉब्लम। अब पता है यार अपने अपने ऑडियंस को हम ऐसा कोई भी मोटिवेट नहीं करेंगे विदाउट टिकट आप ट्रेवल करो, तो फटाफट जाकर पहले टिकट कटवा लेते हैं, एक नई प्रॉब्लम और, पहले इस भीड़ को ख़त्म होने दो उसके बाद, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फाइनली अभी कुछ ऐसा हुआ है कि मैं सर से टिकट बनवा रहा हूँ, मतलब कि यहाँ जो टिकट चेकर होते ना उनसे, बढ़िया है ना यार। तो फाइनली गाइस अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे सोच करके आप भी बिलीव नहीं करोगे, तो ये सर है अपने और इनके बारे में अभी अंदर ही बताएंगे। तो गाइस
अभी तो मैं आ चुका हूँ बरौनी एंड अभी समथिंग आधे घंटे रुकेगा यार, तो फटाफट जाकर मैं यहीं से टिकट कटा लेता हूँ। चोट और आधे घंटे नहीं रुक रही मैं इसके, अभी औरन दिल्ली आ रही तो फटाफट जाकर बैठ जाते अपनी जगह पे। गाइस मतलब ऐसा सफर करने में ना बहुत ही ज्यादा मजा आता है जिसके अंदर दो तीन घंटे सिर्फ खड़े रहो। ये मैं हूँ, ये मेरा लॉकर है, यहाँ पर मेरे सारे के सारे चीज सेफ पड़े हैं। गाइस अभी जो हम फाइनली पहुंच चुके हैं समस्तीपुर, फटाफट हमारा बोरिया बिस्तर तो मान लेते हैं। हाँ तो ये आ चुके हैं भाई साहब हमारे लोकेशन, यानी कि बहुत टाइम बाद बैठना, कुछ ज्यादा गैप नहीं गया यार। अच्छा लास्ट में उतारे गए, अच्छा लास्ट में उतारा है। अब मुझे जाना कहाँ है मेरे को ध्यान नहीं है यार, मैं खुद भूल गया। तो यहाँ से सीधा चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सी जगह से हमको जाना है। फाइनली 5 मंथ बाद, यानी कि 5 मंथ के बाद हम यहाँ पर वापस से कदम रखे हैं। उस समय हमारे समथिंग थे 1500 सब्सक्राइबर थे, बट अब भी है हमारे कितने वो आपको पता है, और फटाफट से 10K सब्सक्राइबर करवा दो यार, और चलते फटाफट जाके टिकट हम बनवा लेते हैं जयपुर के लिए, और उसके बाद चलते कंफर्म करके कहाँ चलना है। दिल्ली जो है गाइज पहुँच तो चुका हूँ, लेकिन एक छोटा सा रीज़न है, आप लोग मत करना, मैंने तो इमरजेंसी में किया इस चक्कर में, विदाउट टिकट आया हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ गलत है मानता हूँ मैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, टिकट कटा नहीं पाया, और जो जिनसे मैं रास्ते में मिला था वो बोले कोई बात नहीं आप चल चलो, और जंक्शन पर मतलब पकड़ में मत आ जाना। तो थैंक यू सर, आपके लिए 1 लाइक तो बनता है। अब चलते फटाफट जाके हम टिकट बना लेते जयपुर के लिए। ओहो गाइज यहाँ आने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार मुझे, मतलब मेरी मम्मी से मिलने के लिए बहुत करीब हूँ, और मेरी मम्मी को पता भी नहीं है कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा हमें, और ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाके टिकट बनवाना पड़ेगा, टिकट को कन्फर्म करवाना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता है क्योंकि टिकट कन्फर्म तो हमने कैंसिल करवा दिया था ना इस चक्कर में। तो फटाफट ऊपर चलते हैं, ऊपर शायद वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो सॉरी। तो गाइज अभी भी 10 o'clock हो चुका है, देखो भीड़ के अंदर लगना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल है यार ये लाइफ ना, बड़ी टफ है। तो फाइनली गाइज अभी जो है हम टिकट वगैरह सब चीज़ बना चुके हैं, एंड यार एक चीज़ तो बताना भूल गया था मैं आते समय यार, दीपू सॉरी मैं आपसे मिल नहीं पाया, आपका कमेंट वैसे मैंने पढ़ लिया था, एंड बहुत ही प्यारी फैमिली है आप लोगों की, तो नाइस टू मीट यू, बहुत ही अच्छा लगा मुझे मिल करके, मैं इस ब्लॉग में बता रहा हूँ, एंड फटाफट मेरे को जाना है, तो इस चक्कर में मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगा, वो भी कॉल पर। तो गाइज ये हमारे समस्तीपुर मार्केट का पूरा व्यू, ठीक है, और अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, और आइडिया ही नहीं है मुझे जो जाना कहाँ से है, लेकिन फिर भी जाएंगे जरूर, और अभी थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन हो रहा है कि मैं दीदी के चल जाता हूँ, फिर दीदी से डायरेक्ट मम्मी के पास सरप्राइज। तो गाइज ये है समस्तीपुर का हाल, ये देखो मतलब चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक, इतने छोटे से रास्ते के अंदर भी मतलब गाड़ी साइकिल वगैरह सब यार। बरौनी बेगूसराय बहुत जगह। और हमारी बस कहाँ पर है, बोलो। अरे मैं भी बन गया आज तो। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये बहुत बड़ी नदी है, समथिंग 25 किलोमीटर है, समथिंग कितना पता नहीं, मैं बता दूंगा कंफर्म करके। तो गाइस देखो लोकेशन बहुत ही प्यारा है, बहुत मतलब कि बोले तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है यार, मैं तो इधर आया ही नहीं था, कभी भी नहीं आया था। ये है लोकेशन सामने उस जगह, देखो वहाँ नाव है, एंड ये देखो पानी के अंदर अभी जस्ट हम घूमेंगे, एंड मुझसे एक गलती हो गई थी, गुस्से में मैंने छोटे से बच्चे को डांट दिया था, चलो ठीक है सॉरी। ठीक है तो आप बुला लो एक बार, नाव पे अपन भी घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे, ठीक है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है कुटिया टाइप का, भाई साहब कसम से कह रहा हूँ इन्जॉयमेंट फुल ले रहा हूँ मैं, लाइफ के तो लेना भी चाहिए यार, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। तो अभी दीदी के घर पहुंचने वाले, लेकिन यार उससे पहले नींद आ रही है, बहुत गंदी वाली नींद आ रही यार। वही तो पूरा बरसात देखो लगा नाव में बैठ रखे। हम यहाँ पर पहुंचने वाले जस्ट 2 मिनट के अंदर, लेकिन थोड़ा पहले उतरेंगे और मिठाई विठाई का पाएंगे, मिठाई पहले ले लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, अब बच्चों के लिए बिस्किट ले। फाइनली गाइस हमारे डेस्टिनेशन इधर जाके राइट फिर लेफ्ट है, फटाफट बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। नंबर फर्स्ट कैमरा चालू रहेगा, भांजे का रिएक्शन चेक करेंगे, क्योंकि सामने ये भांजा छोटा ही है। हाँ जयपुर से बोलते हुए हैं यार, कीचड़ है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है यार बहुत ज़्यादा। तो एक ये वाला रूम है, एक ये वाला है, ओह
4, पापा जी अंदर है, इधर जाऊं इधर जाऊं, हैव अ डोंट आइडिया। इधर चलते हैं, कैमरा चालू रखते हैं, रिएक्शन चेक करते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक आ जाओ, एक और है, आ जाओ आ जाओ। ये भांजी कौन हो, कौन हो, कन्फ्यूज आ गए हो ना। ये कितना अच्छा खाना मिला है आने के बाद खिचड़ी तो अभी वगैरह तैयार हो चुके हैं, अब जाते हैं मम्मी के पास सरप्राइज। वापस हमारी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है यार। मैं कहीं भी जाता ना यार, यही सीन रहता है मेरा। एंड अभी फटाफट जाते हैं मम्मी के पास। बिल्कुल मम्मी को तो बिल्कुल भी पता ही नहीं होगा कि मैं आने वाला हूँ। एंड सेकंड थिंग ये है कि मम्मी का यार फोन भी ना स्विच हो पा रहा था, मम्मी का फोन भी चेंज करना ही पड़ेगा। जो लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स को देखते हैं ना कंटिन्यू, उन लोगों को तो पता होगा कि मैं आखिर कहाँ पहुँच गया हूँ। समझ रहे हो, मेरी मंजिल यूट्यूब वाली नहीं यार, यूट्यूब वाली तो आप ही करवाओगे। देखो ये है हमारा बगान, आम का बगान, एंड यहाँ से सामने ही है। बट थोड़ी देर पहले एक काम करें, जिसका नाम तो याद होगा, ये भी इंसान फरामोश निकला पहचान ही नहीं पाया ये भी। कोई बात नहीं, मम्मी का कॉल नहीं लग रहा बिकॉज स्विच ऑफ है फोन, क्या करे वो। चुपचाप अंदर घुसते हैं और चुपचाप ही सरप्राइज देंगे। सरप्राइज सरप्राइज रहता है। वो वाला डायलॉग सुनो, इतनी खुशी इतनी खुशी। ये भी रूम तैयार है। और हाँ, एक ही चीज की कमी है, हमारी दादी। दादी कहाँ है? दादी के लज्जू क्या पर? सही। तो गाइस, मैं मेरे गरीब फैमिली में आ चुका हूँ। की करे, गरीब का बच्चा है, खाली माता रानी की कर्जी करना हो तो अति हो जाए। okay. बच्चा फटाफट छत में डालना है, बताओ क्या करना है, मंगाओ सीमेंट डाल दो। तो अभी यहाँ पर फिलहाल मैं एक या डेढ़ घंटे समथिंग रुकूंगा, और उसके बाद फिर मैं चल जाऊंगा जीजा जी के पास, फिर कल वापस आऊंगा। तो कल वाले ब्लॉग में देख लेना, अभी कंटिन्यू मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ यार, यादगार रहेगा ना इस चक्कर में। ठीक है मम्मी, मम्मी तो छठ पूजा में मिली था। अब चलते कल ही आएंगे। ये क्या सीन है, मछली पालन का कर रखे क्या इधर उधर? ये तो इंसान फरामोश है। अरे क्या लेके आता मैं इसके लिए, पहचाना कौन हूँ मैं? तू पहचाना, तू वायरल डॉग है, वायरल डॉग। क्या है तू? अरे ऐसे कैसे खा जाएगा ये चार्जर पे? बेटा तू ही खाया था, याद हो? दिखाओ तेरे को तेरा चार्जर। कल ही आना हो पाएगा। ये देखो कितना मस्त लोकेशन लग रहा है ना, यही तो हमारे गांव की खासियत है यार, लोकेशन बहुत प्यारी लगती है मेरे को। और फटाफट जाते हैं, फिर जीजा जी को गाड़ी भी देनी होगी इस चक्कर में, और उसके बाद कल आते वापस से, फिर कल आपको मैं वापस से घुमाता हूँ अपने गाँव। क्या मानते हो यार लोकेशन को देख करके, चारों तरफ मक्के की खेती यार। इतना प्यारा लोकेशन हो रहा है, इतना प्यारा लोकेशन हो रहा है, इतने मस्त मस्त जगह दिखा रहा हूँ और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इससे मस्त मस्त जगह यार। एक कौवा क्यों बोल रहा है यार ये। चलो फटाफट पहुंच जाते हैं यार। देखो दूसरे रास्ते से आए हो, क्योंकि बारिश के चक्कर में ना पूरा रास्ता ही खराब हुआ पड़ा है। तो फटाफट चलते हैं, नहीं तो ईयरफोन ये